माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था। किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था, लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। उसकी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर लगभग 12 डॉक्टर नियुक्त किए हुए थे, जो उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच दिन प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। उसको व्यायाम कराने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ की। नवंबर 15 को माइकल ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर और पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। वो 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें, किसी भी शरीर के अंग की जरूरत पड़े तो वह उनको आकर दे दें। उसको लगता था कि पैसे और अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके घर पर 12 डॉक्टर्स की मौजूदगी में हालत काबू में नहीं आई। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक बिना डॉक्टर से पूछे कुछ नहीं खाया था। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब पहुंच गया था और जून 25, 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने के इंतजाम कर रखे थे, उसका इंतजाम धरा का धरा रह गया दोस्तों। जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां टूट चुके थे। उसके शरीर पर अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को लगभग 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 पर विकिपीडिया, ट्विटर और इंस्टा मैसेंजर सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर का पता चलते ही गूगल पर 8 लाख लोगों ने माइकल जैक्सन को सर्च किया। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया था। 2.5 घंटे तक गूगल काम नहीं कर पाया था। मौत को चकमा देने की सोच रखने वाले हमेशा मौत से चकमा खा जाते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर सार यही है कि बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। क्या हम बिल्डर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, कैटरर्स, डेकोरेटर्स के लिए कमा रहे हैं दोस्तों? हम बड़े बड़े कीमती मकानों और बेहद खर्चीली शादियों से किसे इंप्रेस करना चाहते हैं? क्या आपको याद है कि 2 दिन पहले किसी की शादी में आपने क्या खाया था? जीवन के प्रारंभिक वर्षों में क्यों हम पशुओं की तरह काम करते रहते हैं और काम में जुटे रहते हैं? कितनी पीढ़ियों के खान पान और लालन पालन की व्यवस्था हम करना चाहते हैं? हम में से अधिकांश लोगों के 2 बच्चे हैं, बहुत का तो सिर्फ 1 ही बच्चा है। हमारी जरूरत कितनी है और हम कितना पाना चाहते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए। क्या हमारी अगली पीढ़ी कमाने में सक्षम नहीं है, जो हम उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर देना चाहते हैं? क्या हम सप्ताह में 1.5 दिन अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने लिए स्पेयर नहीं कर सकते? क्या आप अपनी मासिक आय का 5% अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए खर्च करते हैं? सामान्यतः जवाब नहीं में ही होता है। हम कमाने के साथ साथ आनंद भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों? इससे पहले कि आप स्लिप डिस्क का शिकार हो जाएं, इससे पहले कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट को ब्लॉक कर दे, आनंद प्राप्ति के लिए समय निकालिए मेरे दोस्तों। हम किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, सिर्फ कुछ कागजातों, कुछ दस्तावेजों पर अस्थायी रूप से हमारा नाम लिखा होता है। अगर भगवान ऊपर है तो वो हमें देखकर हंसता होगा। वो सोचता होगा कि हम कैसी कैसी बातें करते हैं जब हम कहते हैं कि मैं इस जमीन के टुकड़े का मालिक हूं। किसी के भी बारे में उसके शानदार कपड़े और बढ़िया कार देखकर राय कायम मत कीजिए। हमारे महान गणित और विज्ञान के शिक्षक स्कूटर पर ही आया जाया करते थे। धनवान होना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ धनवान होना गलत है। आइए जिंदगी को पकड़ें, इससे पहले कि जिंदगी हमको पकड़ ले। एक दिन हम सब जुदा हो जाएंगे, तब अपनी बातें, अपने सपने हम बहुत मिस करेंगे। दिन, महीने, साल गुजर जाएंगे, शायद कभी कोई संपर्क नहीं रहेगा।
एक रोज हमारी बहुत पुरानी तस्वीर देखकर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि तस्वीर में ये दूसरे लोग कौन हैं। तब हम मुस्कुराकर अपने अदृश्य आंसुओं के साथ बड़े फक्र से कहेंगे, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने अपने जीवन के बेहतरीन दिन गुजारे थे। मेरे दोस्तों, जीना सीखिए। धन्यवाद। जय हिंद।